तो भाई लोग आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका इन यूएई 2024 दूसरा ओडीआई मुकाबला, जो पहला ओडीआई मुकाबला था उसे साउथ अफ्रीका अपने नाम पे कर चुका है, अब बारी है दूसरे ओडीआई मुकाबले की। तो भैया क्या साउथ अफ्रीका फिर से कर लेगा मैदान फतेह, या फिर दोस्तों जो आयरलैंड की टीम है वो कर पाएगी पलटवार, लेगी पिछली हार का बदला, यानी जो दूसरा ओडीआई मुकाबला होगा इसको कौन सी टीम करेगी अपने नाम, यही जानेंगे आज की वीडियो में। वैसे टी20 में भी यही हुआ था, पहला मैच साउथ अफ्रीका जीता था, दूसरा मैच जीता था आयरलैंड। तो क्या ओडीआई में भी ऐसा होगा, या ओडीआई में साउथ अफ्रीका बोलेगा ना जी हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम सारे मैच जीतेंगे आयरलैंड को हरा के। तो कौन सी टीम जीतेगी चलो पता लगाते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक इनके बीच में 8 ओडीआई मुकाबले खेले गए, जिसमें से आयरलैंड ने 1 मैच जीता, साउथ अफ्रीका ने जीते 7। तो यानी ओडीआई में जो साउथ अफ्रीका की टीम है आयरलैंड के सामने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म करती, तभी 8 में से 7 साउथ अफ्रीका जीता, बस 1 मैच आयरलैंड जीता। तो क्या भैया फिर से कर लेगा मैदान फतेह साउथ अफ्रीका, या फिर जो आयरलैंड है करेगा उलट फेर, चलो एनालिसिस करते हैं और पता लगा लेते हैं। बस उससे पहले यार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा यार। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। जिन लोगों ने पहले से करके रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को ना मेरा टेलीग्राम भी तो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीतेगी, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलते हैं बनने के लिए ना, लगभग उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी आपको, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अब सब प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है, इस मैच में जो भाई की अपडेट है ना, वो सारी अपडेट आपको चेक करनी है। अगर आपको सारा काम पसंद आता है, सारा कुछ सही सही मिलता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ काम पसंद ना आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा भी नहीं, कोई टोकेगा भी नहीं, लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाओ, भाई का काम चेक करो, फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए। अगर हम इस मैच की बात करें तो भाई लोग ये जो मैच है फ्राइडे 4 अक्टूबर इंडिया टाइम अनुसार 5 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकती हैं। जो मैच है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाएगा। देखो जो पहला ओडीआई मुकाबला था ना सेम इसी मैदान पर खेला गया, और जो पिच रिपोर्ट थी पहले मैच में मैंने सारा कुछ उसमें अच्छे से समझा रखा था, और जैसा मैंने बताया था वैसे ही मैच चला पिच रिपोर्ट के हिसाब से। तो आज के भी मैच में जो पिच रिपोर्ट है ना बिल्कुल सेम रहने वाली, तो मैंने सारा कुछ बता रखा है मैच नंबर 1 में, आप सभी ने वीडियो देखी होगी, आप सभी को पिच के बारे में सब कुछ पता होगा। अब सोचो दोबारा मैं वही चीज़ बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा ना, तो दोबारा उस चीज़ को नहीं बताते। हाँ जो लोग पहले मैच की वीडियो नहीं देखी, पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते तो वो जाए पहला मैच की वीडियो देख लें, पूरी वीडियो नहीं देखनी, जो पिच रिपोर्ट का छोटा सा पार्ट है बस उतना देख लेना है, आपको पिच के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस मैदान पे कौन सी टीम आएगी, तगड़ा परफॉर्म करेगी, जो मैच होगा उसे उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी। चलो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आयरलैंड की। सबसे पहले अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो मे बी 1-2 चेंज हो सकता है। जैसे पहले चेंज की बात करें, स्टीफन धोनी की जगह पे लॉरकन टकर आपको खेलते नजर आ सकते हैं एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज। दूसरे चेंजेस की बात करें, गेबिन होय की जगह पे फ्योन हैंड खेलते नजर आ सकते हैं, ये 1-2 चेंज हो सकता है। अगर हम यहाँ पे पहले मैच में बल्लेबाजी की बात करें तो पूरी तरीके से जो बल्लेबाजी थी आयरलैंड की फ्लॉप रही, चाहे हम यहाँ पे कप्तान पॉल स्टर्लिंग एंड एंड्रयू बर्वर्नी पूर्व कप्तान दोनों ने शुरुआत करी, लेकिन दोनों ने शुरुआत तो दिलाई थी, 15-20 रन की पारी तो खेली लेकिन लंबी पारी ना खेल पाए। तो दो ओपनिंग जोड़ी थी जितनी उम्मीद थी उतनी बढ़िया शुरुआत नहीं दिला पाई। कुर्तीस कैंपर तीसरे नंबर पे खेलने आए थे, लगा था बढ़िया परफॉर्म करेंगे, 15-20 रन बनाए भी, लेकिन लंबी पारी वो भी नहीं खेल पाए। कौन? कुर्तीस कैंपर। हैरी टेक्टर की बात करते, हैरी टेक्टर भी फ्लॉप रहे, ज्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए। स्टेफन धोए की बात करते, स्टेफन धोनी ने भी बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। अगर इनकी जगह पे लॉरकन टकर आते तो लॉरकन टकर की जो बल्लेबाजी ओडीआई में वो ठीक ठाक रहती, मे बी वो थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि आते कि नहीं आते। जॉर्ज डॉकरेल की बात करते, जॉर्ज डॉकरेल भी फ्लॉप रहे, ना तो बल्ले से कुछ बढ़िया परफॉर्म कर पाए, ना तो गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी कर पाई। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें, जो आयरलैंड की बल्लेबाजी थी पूरे मैच में फ्लॉप रही, पहले मैच में एक भी बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी ना कर पाए, जबकि गेंदबाजी काफी ज्यादा बढ़िया चली। अगर हम यहाँ पे मार्क डेयर की बात करें तो बढ़िया शुरुआत दिलाते हैं, विकेट चटकाते, पूरे मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, किफायती रहे, विकेट चटकाए। क्रेग यंग ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, किफायती रहे, विकेट चटकाए, सब मतलब दोनों ने जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है बढ़िया गेंदबाजी करी, चाहे हम यहाँ पे मार्क डेयर की बात करें या क्रेग यंग, बढ़िया गेंदबाजी करी। बात करें एंडी मैकबर्नी, इन्होंने भी गेंदबाजी अच्छी करी। ग्राहम होमे की भी जो गेंदबाजी थी अच्छी थी, मतलब 3-4 गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, शानदार गेंदबाजी करी, लेकिन बल्लेबाज अपनी टीम का साथ नहीं दे पाए इसलिए मैच नहीं जीत पाए। और दूसरी चीज, गेबिन होय को पिछले मैच में मौका मिला था, तो गेबिन होय की जो गेंदबाजी रही थी काफी ज्यादा महंगी भी रही थी, विकेट भी नहीं मिला था। अगर इनकी जगह पर फ्योन हैंड आते या कोई और अच्छा गेंदबाज होता जो अच्छी गेंदबाजी करता, तो शायद जो साउथ अफ्रीका ना
उतना रन बना ना पाता। जब रन कम होता तो मामला कुछ अलग हो सकता था। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें, गेंदबाजी ठीक ठाक थी आयरलैंड के पहले मैच में, लेकिन जो बल्लेबाजी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करी, इसलिए इनको मैच हारना पड़ा। वहीं दोस्तों अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो मे बी साउथ अफ्रीका कोई चेंज करेगा नहीं, क्योंकि पहले मैच में शुरुआत अच्छी ना होने के बाद भी मैच जीता। अगर हम यहाँ पे इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करते, रियान रिकल्टन और टोनी डिजोर्जी, ये दोनों ओपन करने आए थे। रियान रिकल्टन का बल्ला T20 की तरह ODI में भी चला, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करी, लेकिन टोनी डिजोर्जी की बात करें फ्लॉप रहे, ज़्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस ना कर पाए। टेम्बा बमुआ की खराब फॉर्म जारी है, ये भी आए चले गए। राशिफ टंडन डोसन कई दिनों बाद वापसी करी, लेकिन वापसी अच्छी ना रही, तो शुरुआत अच्छी नहीं होती, 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे। लेकिन उसके बाद रियान रिकल्टन ने बढ़िया बल्लेबाजी करी और साथ दिया तिस्तन अस्तब ने। तिस्तन अस्तब ने ODI में पहली बार बढ़िया पारी खेली है, जो अभी तक 3-4 मैचेस ODI के खेले हैं, तो पहले मैच में ODI में बढ़िया फॉर्म दिखी। T20 में भी रन बना के आ रहे थे तिस्तन अस्तब, वो फॉर्म ODI में भी दिखी। बियान मुल्डर की बात करें, बियान मुल्डर बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन गेंदबाजी फिर भी बियान मुल्डर ने ठीक ठाक थी। एंडल फ्लंकायो की बात करें तो बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे, लेकिन गेंदबाजी इनसे करवा ही नहीं गई। क्यों नहीं करवाई गई गेंदबाजी? क्योंकि जो गेंदबाज इनके 4-5 लगे ना, वही अपना काम करके चले आए। लिजार्ड विलियम्स क्या जबरदस्त गेंदबाजी करी, किफायती रहे, 4 विकेट चटकाए। लूगी एंगेटी की भी जो गेंदबाजी रही जबरदस्त रही। विरजोन फॉर्चून ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी और डैनियल ब्राटमैन की भी जो गेंदबाजी रही थी काफी ज्यादा शानदार रही थी। तो अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, इनकी भी जो गेंदबाजी थी काफी ज्यादा तगड़ी रही, खतरनाक रही। बल्लेबाजी की बात करें तो हम अभी भी जो बल्लेबाजी है वो आधी अधूरी फॉर्म में, 2-3 बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, 2-3 बल्लेबाज फ्लॉप भी हो रहे हैं। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहार पे कंपेरिजन करें तो आयरलैंड ने अपने आखिरी के 6 मैच में 2 मैच जीते, 4 मैच हारे। सेम कहानी टीम साउथ अफ्रीका की, अपने आखिरी के 6 मैच में बस 2 मैच जीती, 4 मैच हारे। इस दौरान जो साउथ अफ्रीका का बल्लेबाजी एवरेज है 273, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त खतरनाक नहीं कहेंगे। बात करेंगे आयरलैंड का 262, इनका भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा जबरदस्त या खतरनाक नहीं कह सकते। बात करें गेंदबाजी एवरेज की, 5.66 जो गेंदबाजी एवरेज होता कहीं ना कहीं ठीक ठाक होता। जो इनके गेंदबाज है लगभग 250 से 300 के आसपास रन खाते, लेकिन बल्लेबाज 260-270 ही तक पहुंच पाते, तभी आखिरी के छह मैच में बस 2 मैच जीते, 4 मैच हार गए। बात करें हमारे साउथ अफ्रीका की, तो जो इनका गेंदबाजी एवरेज है 5.60 जो गेंदबाजी अवरेज होता है ये भी ठीक ठाक होता है, यानी इनके भी गेंदबाज 250 से 300 के बीच में रन खाते, लेकिन बल्लेबाज 260-270 तक ही पहुंच पाते, तभी आखिरी के 6 मैच में सिर्फ 2 मैच जीते, 4 मैच ये भी हार गए। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो दोनों टीमों का जो रिजल्ट है बिल्कुल एक जैसा है। बल्लेबाजी अवरेज की बात करें तो 8-10 रन से जो साउथ अफ्रीका का बल्लेबाजी एवरेज है वो आयरलैंड से थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो कहीं ना कहीं मामला जो है बिल्कुल बराबर का, चाहे हम यहाँ पे आयरलैंड की बात कर ले या फिर साउथ अफ्रीका की बात कर ले। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम दूसरा ODI मुकाबला जीतेगी, चलो अभी तुरंत के तुरंत हम आपको बता ही देते हैं। बस उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, कर लो यार, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बाकी जिन लोगों ने पहले से करके रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है वो 35 एंड 65 का, 35 टीम आयरलैंड 65 टीम साउथ अफ्रीका। दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है जो आज का ये मैच है टीम साउथ अफ्रीका अपने नाम पे कर सकता है। साथ में आपको मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीतेगी, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलते हैं बनने के लिए लगभग उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी भाई लोग, चिराग लेके ढूंढ लोगों तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है इस मैच में जो भाई की अपडेट है वो सारी अपडेट आपको चेक करनी है। अगर आपको सब कुछ बढ़िया मिलता है, मेरा काम पसंद आता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, काम पसंद ना आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, वैसे भी कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।